वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये रक्षाबंधन स्पेशल है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम इसमें काजू की मिठाइयां बनाने वाले हैं और काजू की मिठाई बहुत आसानी से घर पे बनाई जा सकती है और ये सभी को पसंद आती है। दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, यदि हम इसे घर में बना लें तो उससे कम पैसे में हमारी बहुत ही अच्छी काजू की मिठाई बनके तैयार हो जाती है। आप चाहे काजू कतली बनाएं या फिर काजू रोल बनाएं। दोस्तों काजू रोल बनाने की सेपरेट वीडियो मैंने आपको दी है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको काजू कतली बनाने के कुछ छोटे छोटे ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे जिससे आपके काजू कतली बहुत ही आसानी से घर पे बन सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा टिप शुरू होता है यहीं से। तो पहले तो आपको क्या करना है कि जो काजू है इस तरह से आप ले लें, चाहे टुकड़े वाले ले रहे हैं या फिर आप वैसे वाले काजू ले रहे हैं, कोई भी ले लें सभी चलेंगे। लेकिन इन्हें आप धो के साफ कर लें और पंखे की हवा में इन्हें सुखा लें। और उसके बाद आपको करना क्या है कि आप इन्हें 10 मिनट फ्रीजर में रख दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके काजू बिल्कुल कूल हो जाएंगे और जब हम इनका पाउडर बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये पाउडर बनके रेडी हो जाएंगे क्योंकि काजू में होता है ऑयल और जब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करते हैं तो ऑयल रिलीज हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे काजू की बर्फी या फिर रोल का टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए ये टिप जरूर फॉलो करें। आपको थोड़ा थोड़ा करके काजू का पाउडर बना लेना है। और दोस्तों पाउडर बनाते समय भी आप जब इसे मिक्सर में ग्राइंड करें तो भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसे थोड़ा थोड़ा करके ही आपको डालना है, बहुत ज्यादा एक साथ सारे काजू का पाउडर नहीं बनाना है। और आपको जो मिक्सर है उसे बस एक सेकंड के लिए चलाना है और बंद करना है, यानी एक एक मिनट के लिए आप उसे बंद करें और चलाएं। इस तरह से हम पूरे काजू का पाउडर बना लेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी देर में मिक्सी बंद करके यदि पाउडर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से पाउडर बनता है क्योंकि फिर हमारी मिक्सी गर्म हो जाती है और ऑयल रिलीज हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस तरीके से आप 2-3 शिफ्ट में इस तरह से पाउडर बनाएं और जो ये इसका निकलता है चालने के बाद में आप इसे इसमें डाल के इस तरह से फिर से पाउडर बना लें। तो ये देखिए हमने ये पाउडर रेडी कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसे हमने छान लिया है। अब हमारा इसमें तीसरा टिप आता है कि इसे अच्छा स्वादिष्ट और ज्यादा क्वांटिटी में कैसे बनाएं, जैसे मार्केट वाले बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें मिलाना है मिल्क पाउडर। मार्केट में आते हैं आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको 1 कप मिल्क पाउडर लेना है। इसकी क्वांटिटी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये देखिए 1 कप से थोड़ा सा कम ही हमारा ये पाउडर है, लेकिन आप 1 कप लेंगे तो उसका टेक्सचर ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड में कर देना है। तो ये लीजिए हमारा ये काजू और ये पाउडर मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड में करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है कि हमें एक पैन लेना है इस तरीके से और पैन में हम थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे, ये हमें इसका बेनिफिट आगे मिलेगा। तो ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारी क्वांटिटी आपको बराबर से लिख देंगे, तो ये देखिए हमने चीनी ली है। तो जितना आपका चीनी होता है उससे आधा आपको पानी लेना है, थोड़ा सा 2-3 चम्मच आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और आंच को बिल्कुल कम रखेंगे। इस तरीके से पैन में आपको चीनी डाल देनी है और पानी, आंच को धीरे रखते हुए धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए चीनी को घोल लें। और मान लीजिए आपकी चीनी गंदी है तो इसे आप थोड़ा सा दूध डाल के साफ भी कर सकते हैं और उसका जो ऊपर का फेना आता है इसे इस तरह से छन्नी में निकाल के साइड में कर दें। अब इसे हम चिपचिपा होने तक, यानी कि पूरी चाशनी आपको नहीं बनानी है, इस बात को ध्यान रखें, इसे चिपचिपी चाशनी आपकी बनानी है। इस तरह से चलाते हुए आप इसे एक चिपचिपा होने तक रेडी रखें। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, ये दोनों उंगलियों के बीच में जब इस चाशनी को आप इस तरह रखेंगे तो हल्का सा चिपकने का आपको एहसास होगा, जैसे कि शहद। तो बस इस तरह से ही होना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, ठीक है, इससे हमें आसानी होगी पाउडर मिलाने में। ये देखिए इस तरह से मिला लीजिए और चलाते हुए हम ये पाउडर मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक बारी में आपको नहीं डालना है। इस तरह से पहले थोड़ा सा डाल लेंगे और हम मिक्स करेंगे, फिर दोबारा डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए आपको बिल्कुल एक सार कर लेना है। ये देखिए
अब हम इसे चलाते जाएंगे, यानी कि इसी पैन में हमें इसे ठंडा करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका ये जो मिश्रण है काफी ज्यादा ढीला है, तो आप वापस से गैस पे चढ़ा सकते हैं धीमे आंच में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से आपको काजू का जो पेस्ट है हर 2 मिनट बाद इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे ठंडा करते जाएंगे, तो करीब 10 से 15 मिनट लग जाता है इसे ठंडा होने में, एक डो तैयार होने में। तो ये लीजिए, इस तरह से ठंडा करते करते इसमें शाइनिंग भी आ जाती है। जो हम बार बार इसे चलाते हैं ना, तो इससे इसमें एक अलग प्रकार की शाइनिंग आती है, जिससे बहुत ही अच्छी हमारी बर्फी बन के तैयार होती है। तो ये लीजिए, हमारी काजू का ये जो पेस्ट था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल के इस तरह से, आपको एक बटर पेपर लेना है और उसके ऊपर इस काजू के पेस्ट को डाल के हाथों से हल्का हल्का सा इसे मसल लेना है। तो मान लीजिए अभी जैसे मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो हम यहाँ पे ये प्लास्टिक शीट ले लेते हैं, जैसे हम पापड़ वगैरह बनाते हैं उस तरीके से, और इसे भी आपको ग्रीस कर लेना है अच्छी तरीके से, जिससे ये चिपके नहीं। हाथों में भी आपको घी लगा लेना है और इस तरीके से आपको इसे पहले आटे के जैसे हल्का सा मसल लेना है। वैसे तो पैन में काफी देर तक हम लोगों ने चलाया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिससे ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखिए, अब इस पॉलिथीन को अगले वाले भाग को इस तरह ढक के और ऊपर से बेलन से आपको किसी भी मनचाहे आकार में, गोल या फिर लंबा, आप इसे बेल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और यदि आपको लगे कि आपकी बर्फी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो आप कट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि जल्दी से ठंडी नहीं होती है, तो इसे हमें 10 से 15 मिनट लिए छोड़ देना है और आप दूसरे काम में लग जाएं। दोस्तों, इसका टेक्सचर हमें गीला इसलिए रखना होता है क्योंकि बाद में जब ये हमारी बर्फी बन जाती है, तो 1 से 2 दिनों बाद बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगती है। इसलिए पहले आप इसे थोड़ा सा गीला ही रखेंगे, तो 1-2 दिनों बाद ही इसका जो सूखने वाला टेक्सचर होता है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा ढीला रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें बर्फी का आकार, यदि आपके पास इसका सांचा हो तो उससे आप कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो हमने ये पिज्जा कटर है इसकी हेल्प ली है, और ये जो स्केल होती है इससे आप, ये देखिए इस तरह से आप लगा के इसे अच्छे से एक आकार दे दे बर्फी का, लुक अच्छा आना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे कट कर लें। तो लीजिए दोस्तों, हमारी काजू कतली बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी काजू कतली है और मार्केट से आधे दामों में ही ये तैयार हो जाती है। तो इस रक्षाबंधन पे आप इसे जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। हमारा अगला टिप रक्षाबंधन स्पेशल ही है। जैसा कि इस बार रक्षाबंधन पर सोमवार का व्रत पड़ रहा है दोस्तों, तो सभी के घर में बहुत सारे काम होते हैं और हम महिलाएं क्या करती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं और उपवास में ऐसे इधर उधर की चीजें खा के काम चला लेती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छी डिश लेकर आए हैं, जिसे आप मिनटों में तैयार करके फ्रिज में रख सकती हैं और इसका टेस्ट ले सकती हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक होती है, बहुत ही क्विक बन जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। तो हमने इसे बनाने के लिए आलू लिए हैं, ये आप देख सकते हैं कच्चे आलू हैं, इन्हें धो के हमने छील लिया है और इसे आप फिर से धो लें, और इस तरह से जो कद्दूकस वाला होता है किचन में ग्रेटर, इसे आपको ग्रेट कर लेना है। तो थोड़ा सा महीन वाला ही आप लें, जिसे अच्छे तरीके से ग्रेट हो जाए। तो ये देखिए हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। तो करीब 3 मीडियम साइज के आलू हमने यहाँ पे लिए हैं, और अब हम इसका बनाएंगे खीर। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक पैन लगा दिया है, इसमें करीब 2 चम्मच हमने घी लिया है, और पैन बहुत ज्यादा आपका गर्म नहीं होना चाहिए। जब हल्का गर्म हो तभी इस आलू को इसमें डाल के हल्का सा आपको सौते करना है। इस तरीके से आप चला लें, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है तो थोड़ा सा चिपकने का चांस रहता है, इसलिए आंच आपको धीरे ही रखना है। तो इस तरीके से देखिए चला लीजिए। अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। तो दूध करीब हमारा 1 लीटर है। इस तरीके से आप इसे चलाएं और आंच को फुल करके उबाल आने तक इसे पकाएं, और उसके बाद आंच को धीमा कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मिलाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फुल एनर्जी से भरपूर हमारी खीर होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ये छुहारे और खजूर। तो ये हमने यहाँ पे खजूर लिए हैं, इसे धो के हमने इसे रफली कट किया है, आप और महीन बारीक कट कर सकते हैं। और इसमें हम मिलाएंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर।
ठीक है, इन सभी चीजों को आप डाल के आप धीमे आंच पे इसे छोड़ दें थोड़ा सा पकने के लिए। ये पकते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मिला देते हैं चीनी। आलू भी हमारी पक चुकी है, इस तरह से आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम चीनी डालेंगे। तो दोस्तों चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक कटोरी से थोड़ा सा कम ही चीनी डालेंगे। और चीनी डालने के बाद भी हमें पकाना होगा, क्योंकि चीनी के बाद इसमें पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे आंच पे इसे अच्छी तरीके से पकने होने तक, यानी गाढ़ा होने तक आप पकाएंगे। बिल्कुल रबड़ी के टेक्सचर का हो जाएगा, और वैसे भी आलू में थोड़ा सा स्टार्च होता है, तो ठंडा होने के बाद ये काफी थिक हो जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। ये देखिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट बाद आपके ये आलू की खीर बहुत ही एनर्जेटिक है और बनके तैयार हो जाती है। अब आप इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लें इस तरीके से। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर सकते हैं, इसका टेस्ट ले सकते हैं। और आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख के और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर लें और प्लेट में लगा के सर्व करें। तो है ना दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसे गार्निश भी कर सकते हैं कुछ मौसमी फलों के साथ में दोस्तों, जैसे कि आप बनाना ले सकते हैं या फिर आप मैंगो ले सकते हैं। उससे भी आप थोड़ा सा कट करके डालेंगे तो एक और टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट फ्लेवर वाला होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस रक्षाबंधन पर ये जरूर ट्राई करें। अगला टिप है दोस्तों कि जैसे हम किचन में हमारे जो भी मसाले हैं या फिर आपकी ग्रोसरी की चीजें हैं कभी कभी खत्म होती रहती हैं, तो उन्हें यदि हम टाइम से भर नहीं लेते हैं तो सुबह सुबह या शाम के टाइम जब भी हम खाना बनाते हैं तो ये खाली रहते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और फिर हमें उलझन भी होती है कभी कभी। तो इसे आपको समय रहते ही जब भी आपको मौका मिले दिन में, इस तरह से आप इसे भर लें। आपकी जो भी किचन में मसाले हैं, जैसे ज्यादातर इन्हीं में हमें परेशानी होती है, जीरा मेथी और ये अमचूर पाउडर जो भी है, आप इसे फुलफिल करके इसे डिब्बा रेडी रखें। और जो हमारे किचन के ये मसाले होते हैं, इस तरह से पैकेट वाले मसाले होते हैं, इसके अंदर का पैकेट में भी आप एक रबड़ लगा दें और बाहर से भी एक रबड़ लगा के इस तरह से इसे आप अरेंज करके ये बास्केट ले लें या कोई भी चीज में आप इसे साइड में रखेंगे तो ये विजिबल भी होती है और बहुत आसानी से मिल जाती है हमें। काम करते समय हमें ज्यादा समय नहीं लगता इसे ढूंढने में। हमारी अगली टिप भी दोस्तों बहुत ही कमाल की है और बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि अभी अनार का सीजन है और अनार बहुत ही हेल्दी होता है और इसे खाना चाहिए, और लेकिन इसे छीलने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो आज हम आपको अनार छीलने के ट्रिक बताएंगे, जो कि मिनटों में आप बहुत सारे अनार छील के रख सकते हैं। हमने अनार का जूस बनाने आपको दोस्तों एक टिप में बताया था कि बिना मिक्सर के बिना जूसर के आप घर पे अनार कैसे रेडी करें, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इसमें हम आपको बताएंगे कि अनार कैसे आप मिनटों में छील पाए। तो इसके लिए आप ये देखिए अनार ले लीजिए और इसे धो लीजिए और इस तरह से इधर साइड से जहां से ये फ्लावर्स आए होते हैं इन्हें आप कट कर दें। अब इसके बाद भी बीच में हल्का सा आपको ये दिखेगा टिप पे, तो इसे भी आपको हल्का सा नोक से निकाल के बाहर कर देना है और साइड में आपको ये कट लगा देना है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हल्की सी डिजाइन बनी होती है, तो यदि यहाँ से आप पकड़ के कट लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। और पूरा कट नहीं लगाना है, यहाँ ऊपर टिप पे जाके आपको छोड़ देना है। इस तरह से 4 या 5 कट लग जाते हैं। अब इन्हें आप पलट लें और कोई भी हैवी कुछ भी ले लीजिए आप, जिससे अदरक कूटते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी लेके हल्का सा ऊपर से टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर ही सारे अनार के दाने आपके हाथों में आ जाएंगे, ये आपके अनार बिल्कुल छिल जाएंगे। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।